कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप निर्दलीय लड़ते तो ज्यादा वोट मिल जाते आम आदमी पार्टी से आपको उतने वोटों में घाटा हो सकता है। सबके पास अपनी अपनी एक विचारधारा है, लेकिन जो चीज जो कारण है ना मेरे पास में चुनाव लड़ने के, वो पर्याप्त है लोगों को संतुष्ट करने के लिए कि हाँ विकास कार्य कराने की इच्छा शक्ति इसी व्यक्ति के पास है, अन्य किसी के पास नहीं है। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों रवि राय मेरे साथ हैं जो कि आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट हैं और पिछले काफी समय से तैयारी कर रहे थे। पहले प्लान था निर्दलीय लड़ने का, लेकिन जब उन्हें लगा कि उन्हें आम आदमी पार्टी के साथ आना चाहिए तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो रवि राय से बात करेंगे। रवि राय जी बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जेवर प्रेस का, आपका बहुत बहुत आभार जो व्यस्तता भरे समय में से निकाल करके समय और मेरे पास में आप आए हैं, आपका आभारी हूँ। सीधी बात आपसे जानना चाहेंगे कि जेवर का चेयरमैन बनने का जो आपने इरादा किया है किन मुद्दों को लेकर किया है उसके बारे में बताना। जेवर नगर की समस्याओं को लेकर के संबंधित अधिकारियों के पास जाते रहे हैं। जेवर नगर की समस्याओं को हम आज तक केवल सोशल मीडिया पर उठाते रहे हैं। अब उन समस्याओं को देख करके सिर्फ हमारे पास तीन विकल्प बचते हैं। पहला तो एक है, समस्याओं को देख करके रोते रहो, सोशल मीडिया वगैरह पर डालते रहो या संबंधित अधिकारियों के पास चप्पलें घिसते रहो। दूसरा ये कि समस्याओं को देख करके उनसे मुंह फेर लो, पीछे की तरफ हट जाओ, या फिर समस्याओं का समाधान करने वाले अधिकारों को अपने हाथ में ले लो। तो क्योंकि ये हमारे देश का लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है चुनाव में पार्टिसिपेट करने का। वहां पर कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि प्रत्याशी को गरीब होना चाहिए या धनाढ्य होना चाहिए। तो सीट अनारक्षित रही है और इस अनारक्षित सीट में मैं हर संभव प्रयास करूंगा उन अधिकारों को लेने का जिन अधिकारों से समस्याओं का समाधान करने वाला बन सकूं, ना कि समस्याओं को देख करके रोने वाला। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, किस रणनीति के तहत अपने आप को स्थापित कर पा रहे हैं? जब पहले आपने निर्दलीय आने का फैसला किया था, अब आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, तो आम आदमी पार्टी से क्या आपको नहीं लगता कि आप निर्दलीय होते तो ज्यादा बेटर रहते? नहीं, ये दृष्टिकोण लोगों का हो सकता है, कुछ भी सोच सकते हैं। समाज है, समाज इसका नाम है। समाज में चार लोग समर्थक भी होते हैं, चार लोग आलोचक भी होते हैं। मैं इतना जानता हूं कि मैं जिस विचारधारा का था उस विचारधारा का हूं और उस विचारधारा का रहूंगा। वो मेरी रगों में है, वो मेरे परिवार से संस्कार मिले मुझे, ना किसी पार्टी से मिले और ना ही किसी संगठन से मिले। तो आम आदमी पार्टी चुनने का जो निर्णय है वो इतना ही है कि आम आदमी पार्टी की जो बेसिक सुविधाएं आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार दिल्ली में उपलब्ध करा रही है, चाहे वो जल की हो, बिजली की हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, महिलाओं के लिए यात्रा निःशुल्क है, तो वो जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर हम जेवर नगर को उपलब्ध करा पाए, ये एक प्राथमिकता रही है आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने की। दूसरी प्राथमिकता इसलिए रही है कि अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं यहां पर, भाजपा है, सपा है, बसपा है, आप भी जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में गुटबाजी चल रही है, तो मैं क्यों अपना सिर खामोखा आगे करूं कि जी लो मुझे भी मारो। तो मैंने निर्णय आम आदमी पार्टी के साथ में लिया है। आम आदमी पार्टी को यहां पर निश्चित रूप से हम मजबूत करने का प्रयास करेंगे, कंधे से कंधा मिला करके मजबूत करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप निर्दलीय लड़ते तो ज्यादा वोट मिल जाते आम आदमी पार्टी से आपको उतने वोटों में घाटा हो सकता है, कैसे देखते हैं? ये घाटे में लोग भेजेंगे तो वो भी स्वीकार होगा और लाभ में भेजेंगे वो भी स्वीकार होगा, लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी को आप ना तो पूरी तरीके से गंगा कह सकते हैं और ना ही पूरी तरीके से दूषित कह सकते हैं। ना ही तो कोई राजनीतिक पार्टी पूरी तरीके से साफ सुथरी है और ना ही कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो पूर्ण रूप से गलत हो। कुछ लोग गलत होते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, सभी पार्टियों में है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। तो मैं पार्टी या सिंबल के ऊपर ज्यादा फोकस ना करके मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि रवि राय नाम है अपना, साधारण से परिवार से बिलोंग करता हूँ, साधारण से परिवार से बिलोंग करने के बाद में जो भी समय मेरे पास में बचता है उसको मैंने समाज को दिया है, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, वृक्षारोपण हो, राष्ट्रहित का कोई भी कार्य हो, लोग जरूर मेरे कार्यशैली जो है, मेरा जो व्यवहार है, मेरी जो विचारधारा है, मेरा जो चरित्र है, जेवर को इतना बड़ा नहीं है, भली भांति आप चरित्र से परिचित हो सकते हैं किसी के भी बारे में, अगर आप स्टडी करेंगे किसी भी प्रत्याशी के बारे में, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं अपने आप को कहीं ज्यादा बेहतर पाता हूँ। आप अन्य प्रत्याशियों के पास जाइए, सबके पास अपनी अपनी एक विचारधारा है,
लेकिन जो चीज जो कारण है ना मेरे पास में चुनाव लड़ने के, वो पर्याप्त है लोगों को संतुष्ट करने के लिए कि हाँ विकास कार्य कराने की इच्छा शक्ति इसी व्यक्ति के पास है, अन्य किसी के पास नहीं है। ठीक है, जेवर की कोई तीन समस्याएं ऐसी बताइए जो सबसे पहले जरूरत है जिन्हें तुरंत सॉल्व करने की, और अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो उन समस्याओं को सबसे पहले उठाएंगे। बस तीन, सबसे पहली नगर का सीमा विस्तार, दूसरी समस्या जेवर नगर की 40 किलोमीटर की टूटी हुई गलियां जो जल निगम ने तोड़ करके डाली हुई है, 19 करोड़ रुपए आया था वो पानी की टंकियों के लिए, तो पानी की टंकी खड़ी तो कर दी लेकिन जल अभी तक एक भी घर में नहीं पहुंचा है। तीसरी समस्या, जेवर नगर के जो बाजार है ये पूरे बाजार में कहीं पर भी महिला शौचालय नहीं है, आसपास के क्षेत्र की माता बहनें आती हैं शॉपिंग करने के लिए, उनको किस सिचुएशन का फेस करना पड़ता है, क्या सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं वो मैं भली बात ही जानता हूं क्योंकि मैं धरातल पर कार्य करने वाला हूं। ऐसा नहीं हो कि चुनाव में आए चुनाव के बाद में 4.5 साल के लिए गायब हो गए, चुनाव चुनाव के लिए नहीं हूं मैं स्थायी हूं, बाइक से घूमने वाला आदमी हूं, जेवर की एक एक समस्या से भली बात ही परिचित हूं और जेवर की उन समस्याओं का समाधान करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उनके मुख्यमंत्री ने जब शुरुआत की थी तो उनकी हालत भी कुछ आपके जैसी ही थी, लेकिन आज वो 45 करोड़ रुपए का रेनोवेशन करवा रहे हैं घर पे, तो क्या ये बदलाव भी हो सकता है? देखिए इस विषय में तो आपको केजरीवाल जी के पास ही जाना पड़ेगा, उस विषय पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आप व्यक्तिगत, क्योंकि ये चुनाव लोकल का है, यहाँ पर कोई भी पार्टी जो होती है उसके पास में प्रशासनिक व्यवस्थाएं नहीं होती है। मैं आपको बता दूं अन्य जो कोई भी प्रत्याशी है वो सभी अपने अपने एक मैनिफेस्टो रखेंगे, उसमें कुछ बातें ऐसे होंगे जो नगर पंचायत के क्षेत्राधिकार में ही ना हो, केवल पब्लिक को लुभाने के लिए करेंगे ऐसा। मुझे पता है क्षेत्राधिकार क्या है, पार्टियां प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखती हैं, पार्टियां स्कूलिंग को देखती हैं, पार्टियां देखती हैं आपके रोड सर्विस को देखती हैं पार्टियां, तो यहां पर लोकल का चुनाव है और चेयरमैन जो है, चेयरमैन के जो क्षेत्राधिकार हैं उन्हीं अधिकारों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो वो सारे अधिकार जब अपने पास में होंगे ना तो निश्चित रूप से हम जेवर को बहुत ही सुथरा साफ स्वच्छ अनुशासित बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। क्या क्या रणनीति चल रही है, किस तरह से लोगों से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं? लोगों से मैं डोर टू डोर जाकर के संपर्क कर रहा हूँ, अवेयर लोगों को, जागरूक लोगों को अपने साथ में जोड़ना चाहता हूँ, ऐसे लोग नहीं जो अशिक्षित प्रत्याशियों के पीछे जिंदाबाद करते डोले, वो नहीं चाहिए हाथ जोड़ करके नमस्ते उनसे, भीड़ का हिस्सा जो लोग बने हुए हैं ना उनको तो दूर से नमस्ते करता हूँ, उन लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ करके जो पढ़े लिखे हैं शिक्षित है जागरूक है जिन्होंने हमारी एक्टिविटीज को देखा है, उनसे निवेदन है खुल करके साथ में आओ, आ रहे हैं लोग प्यार दे रहे हैं, जा रहा हूँ डोर टू डोर। क्या अपील करेंगे जेवरवासियों से, अगर कोई एक अपील करनी हो तो? अपील जेवरवासियों से नगरवासियों से आपके चैनल के माध्यम से यही है कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन में आकर के वोट ना दें, हर राष्ट्र के प्रत्येक जागरूक नागरिक का प्रथम कर्तव्य होता है कि वोट डालने से पहले अपना प्रत्याशी, चाहे वो नगर पंचायत का हो, ग्राम पंचायत का हो या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो, हर प्रत्याशी की विचारधारा, व्यवहार, कार्यशैली, चरित्र और बैकग्राउंड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि संपत्ति कब्जा रखी हो, तो ऐसे लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, समाज में एक भय का कारण बनते हैं। तो निवेदन यही है कि एक बार आप लोग 70 साल हो गए, 70 साल से हम धनाढ्य लोगों को चुनते चले आ रहे हैं या धनाढ्य लोगों के द्वारा समर्थित प्रत्याशी को चुनते चले आ रहे हैं जिसका परिणाम हम पिछले 5 साल में भुगत चुके हैं, तो इस बार निवेदन यही है कि एक बार अपने बीच में सभी चुन करके देख लो, हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, मैं वादा कर रहा हूं कार्य वो करके दिखाऊंगा कि अपने आप पर प्राउड फील करोगे कि हाँ हमने वोट सही जगह और बढ़िया जगह पर दिए। तो आपने सुना रवि राय को, रवि राय समाज सेवी हैं, कुछ समय पहले गायों की बहुत सेवा की थी, गौ भक्त भी हैं और चुनाव में आए हैं आम आदमी पार्टी से टिकट लेकर और जनता की सेवा करने के उद्देश्य से मैदान में उतर रहे हैं। अब देखते हैं क्या कुछ इनकी मेहनत का फल मिलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। नितेश छोकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।